बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये 12वां सवाल शुरू करेंगे। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुहज़फुल इल्फ। अलीफू, अलीफू होता है ना, अलीफ बा ता सा। हाँ ओके। तो तुहज़फुल अलिफ वल्लामु मिन अल इल्म मिनल आलमी, मिन अल आलम अलम कैसे कहते हैं? अलम अलमी जो है पता नहीं किसको कहते हैं। प्रॉपर नाउन, डेफिनेट अच्छा नाउन। ओके। मिनल अलमिल मुख्तरीनी बिहिमा इंदन निदाई नहु अल हसनु या हसनु। तुहज़फुल अलिफु अलीफ इज डिलीटेड, अलीफ एंड लाम इज डिलीटेड। डिलीटेड फ्रॉम दी आलम अलम इज प्रोनाउन। हाँ प्रोनोमी जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन मुख्तरी डेफिनेट अटैच्ड। बिहिमा टू With देम। both of them, ओके in the निदाई पुकारते वक्त, at the time of calling, यानी कि वो कह रहा है कि जो इसमें इलम के साथ जो अलिफ लाम लगा होता है उन दोनों को डिलीट कर दिया जाता है जब इसमें इलम को बुलाया जाता है। जैसे हसन के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ये इसमें इलम है, अलिफ लाम लगा हुआ साथ, जब इसको पुकारेंगे हम, जब इसको निदा करेंगे तो अलिफ लाम डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अल हसनु। ओके एंड देन यू हैव या हसन। नादिल आलामल आतिया। अलम की जमा आलाम है ओके सो प्रॉपर नाउन्स और चेंज द प्रॉपर नाउन्स बिलो। नादी फेल अमर, इसका मतलब होता है पुकारो, ओके काल काल द फॉलोइंग इसमें आलाम। अल हुसैनु या हुसैनु अज़ुबेरु या ज़ुबेरु अल हारिसु या हारिसु अल बराउ या बराउ। ठीक है, नेक्स्ट अन्नसबु इल्हाकु या इन मुशद्दतिन फी आखिर अल अस्मी इस्मी फिल आफिया फी आखिर अल इस्मी ली तदुल्ला अला निस्बतिही नहु अल हिंदू हिंदीयुन अल इराकु इराकीयुन। सो अन्नसब द नसब नसब किसे कहते हैं, कुछ पता है? वो है ना। वो आई थिंक नसब जो है रफा और जर नसब वो जो होता है वो स्वाद से होता है, वो नून स्वाद बा होता है, ये नून सीन बा है। स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है। अच्छा। इस नसब का मतलब होता है ब्रीड, जो उर्दू में हम कहते हैं ना नस्ल, ब्रीड, रेस, फैमिली के लिए भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, यानी कि नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है ब्रीड, रेस। ओके ठीक है। ओके ब्रीड और रेस जो है इल्हाकु या इन मुशद्दतिन
मुशद्दा, मुशद्दा कहते हैं जिसके ऊपर शद्दा हो। इल्हाक कहते हैं जोड़ने को, जॉइनिंग द या मुशद्दा, यानी कि ऐसा या जोड़ना जिसके ऊपर शद्दा हो। ओके, फी आखिर इस्मी इन दी एट द लास्ट ऑफ द इसम, इसम के आखिर में ऐसा या जोड़ना जिसके ऊपर शद्दा हो, जो मुशद्दिद हो। ली तदुल्लु सो दैट इट चेंजेस अला टू इंडिकेट, ली तदुल्लु का मतलब होता है टू इंडिकेट आला निस्बत ही, टू इंडिकेट इट्स रेस, टू इट्स इंडिकेट इट्स ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल अल हिंदू दी इंडियन हिंदी इंडियन ठीक है, यानी कि बस अल हिंदू तो कहते हैं एक मुल्क का नाम है, तो उसके आखिर में हमने क्या कर दिया, या मुशद्दा लगा दिया, तो क्या बन गया, ब्रीड बन गई, हिंदी इंडियन। अच्छा इसी अल तरह ना हिंदू मुल्क का नाम है, ओके ठीक है आखिर में या मुशद्दा जोड़ दिया तो ये बन गया ब्रीड, इराकी नेशनलिटी। अच्छा ठीक है उनसुब इलल अस्माइल आतिया ठीक है जी, उनसुब ओके उनसे फेले अमर है, इसका मतलब है ब्रीड ब्रीड बनाओ, रेस बनाओ नीचे की और नीचे वाले आसमां की। मेक रेस ऑफ द फॉलोइंग नाउंस, नाउंस असुदानु सुदानियु सुदानियन सुदानियन ठीक है, सूदानी नेशनलिटी के साथ अलिफ लाम नहीं आता। ठीक है आगे, अलियाबानु याबानियन अन्नहु नहुई नहवीयुन ठीक है ना, नहवीयुन पता है किसे कहते हैं, नहीं ग्रामेटेरियन, जो ग्रामर का माहिर आदमी हो ना उसको नहवी कहते हैं। इंग्लिश में उसको ग्रामेटेरियन कहते हैं ना। अच्छा मटेरियल पता नहीं हमने सुना तो नहीं है बहुत ज़्यादा जो लोग ग्रामर के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं अच्छा मैं कहते अच्छा हमें ज़्यादा इससे जो है कोई ये नहीं है अच्छा ठीक। अन्नबीयु इज मैसेंजर नबीयुन इज द प्रॉफिट हाँ जी अन्नबियो दी प्रॉफिट, और आगे नबीयुन मैसेंजर हाँ नबवीयुन, नबवीयुन का मतलब होता है प्रॉफेटिक। ओके प्रॉफिटिक नबवीयुन ओके अल कुवैतु कुवैतीयुन ठीक ओके अदीनु दीनीयुन ठीक दीन इज रिलीजन दिस इज रिलीजियोसिटी हाँ है, रिलीजियस ओके रिलीजियस ठीक है तारीखु द डेट तारीखियन सो द पर्सन हु मेक्स द कैलेंडर हाँ और हु मेक्स द डेट्स इसको हम तारीख और हिस्ट्री कहते हैं ना, तो इसका जो बंदा होगा वो हिस्टोरियन होगा, और इसको हम हिस्टोरिक भी कह सकते हैं, दो मतलब में इस्तेमाल होते हैं, तारीखी जो लफ्ज़ होगा और दो मतलब में इस्तेमाल होगा, एक हिस्टोरिक और दूसरा हिस्टोरियन। ठीक है मुझे अल अखुन द ब्रदर ठीक है अखवीयुन ब्रदरली ठीक है, तो सब में जो ऊपर श्रद्धा आना चाहिए ना हाँ इराकीयुन हिंदीयुन सुल्तानीयुन सब में श्रद्धा है ना अच्छा बिल्कुल श्रद्धा है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है वैसे, इन्होंने यहाँ पे आपके आखिर में दो दो लिख दिया, वैसे
ये भी जब हम खुद लिखेंगे तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही एग्जिस्ट करता है। ओके ठीक है। इस तखरीजो, इस तखरीज फेलियर मर है। अच्छा, इस तखरीज मिनत दर्सी अम्सिलतन लिन नसबी। ठीक है, इस तखरीज मिनत दर्सी, इस तखरीज जो है निकालो। ओके, रिमूव फ्रॉम द लेसन, टेक आउट, अच्छा टेक आउट फ्रॉम द लेसन अम्सिलतन, हाँ यस, एग्जांपल्स फॉर नसब। वो कह रहे जो लेसन में से नसब की एग्जांपल्स निकालो, निकालनी है पीछे हाँ पूरे लेसन में। यस, निकाल ले तो बेहतर है। 36 ये लेसन है, तेजी से इसमें नजर डालें, जो जो नसब के एग्जांपल है उनका। अच्छा, अल यहूदु, कौन सा ऊपर ऊपर है? अच्छा, कौन सा लेसन चाहिए? लेसन ओके, तो जो है अम्मा इद्रीस का, ओके इद्रीस जो है और पीछे फिर नबवी, नबवी भी इसकी एग्जांपल है। ओके, 30th पेज नंबर 30, ठीक है। कुली बंजान में तीन हो रहा है, लुफाय और बुखारी, बस ये तीन है। सलाम अलैकुम। ओके, अल बुखारी मुस्लिम। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है। ओके, हाँ मैं तो आप कर लें, कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी रुक जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उखरु जमाइन उखरा, लफ्ज उखरा है, इसकी जमा उखारू है। ये मतलब इस बात कि लफ्ज उखरा का जमा है उखारू। उखरू का मतलब लास्ट है, लास्ट भी होता है, और इसका मतलब अदर होता है, जो ज्यादा मतलब हम इस्तेमाल करते हैं अदर। आती मिसाल उखरा, वही या ममनू अतु मिन सर्फ, दैट इज ममनू मिन सर्फ। और डिप्ट आउट, राइट ओके। قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم whoever is among you is sick. Sorry, what? دوبارہ کریں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اوكي سو جو ہے فمن از سو كان منكم عام میں سے جو بھی بیمار ہو. فمن كان منكم مريضا, سو اینی ون ہو یو ill from you, आप में से जो कोई भी बीमार हो, okay,
Okay, so and one kana. Okay, and so whoever. Okay, minkum is among you. Maridan is sick. Aw ala safarin, or is on a journey. Is upon a journey. ठीक है. Is upon journey. Or iddatun. Okay, for idda. Then number of days min ayyam, from the days. Then for idda. Then period from the days. Huh? Actually, इसका मतलब है कि जो है then equal number of days है. हाँ, वैसे इधर का मतलब होता है several. ठीक है, आप several से मुराद है कि जिन दिन आप बीमार रहे या जितने दिन आप सफर में रहे उतने सेवल. लेकिन यहाँ पे जो लफ्जी माने फैदा का फैदा क्या होगा, इक्वल वो है सेवरल. सेवरल ठीक है, फैदा देन देन सेवरल ना. यस, देन सेवरल फ्रॉम अदर डेज. सेवरल फ्रॉम अदर डेज ठीक, यानी कि जिनने उस पे दिन लगे बीमारी पे सफर पे उतने ही दूसरे दिनों में से. तमिल मायली ऑब्जर्व द फॉलोइंग. यस्ततियु तस्ततियु अस्ततियु. Yastatihu, he can. He can, tastatihu, you can and I can. She can be tastatiuna hoga. She can ka bhi matlab tastatihu, can hoga. Mai yastati, man yastatihu. أن يكتب الدرس على السبورة بخط واضح. خط واضح کا مطلب ہوتا ہے clear writing, صاف ستھری writing. Who can write on the who can write or I yaktuba or read. My yastati, who can write the lesson on the board in clear writing. Astati you and tasu ka shahinatan ya zubairu. Atastatiyu, can you? Atastatiyu, okay. Can you antasu ka shahinatan. Tasu ka to hota hai khidna. Wo shahina kehte hain saman wali gaadi jo hoti hai na, jaise truck ho gaya, lorry ho gaya, pickup ho gayi. اس قسم کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ہم شاہین ہے سامان والی گاڑیاں. Can you buy a truck, oh Zubair? Okay. هذه الرسالة بخط ردي لا استطيع ان اقراها. تستطيع أن تقرأها. أن تقرأها. أن تقرأها. أن تقرأها. أن تقرأها. أنت يا براو. براو. لا لا مامي أنت. لا أستطيع. ٹھیک ہے چلو مرد کہیے. هذه الرسالة بخط ردي. خط جو آپ نے کہا کلیئر,
नहीं क्लियर तो वाजे है, वाजे खतिन खातिन राइटिंग। वाजे है या खातिन रद्दी है? खातिन रद्दी का मतलब होता है पुअर राइटिंग, गंदी राइटिंग। दिस रजिस्टर दिस हैज बैड लेटर, राइटिंग। कौन है दिस लेटर इज दिस इन लेटर? पुअर राइटिंग। ओके दिस लेटर इज इन पुअर राइटिंग। ला अस्ततीउ अन अक्राहा, आई कैन नॉट रीड दिस, रीड इट अक्राहा। अस्ततीउ अन तक्राहा अंत या बराउ, कैन यू रीड इट ओ बरा। माशाल्लाह से आपकी बेटी भी लगातार कुछ ना कुछ करती रहती है, एक्टिव है माशाल्लाह। नेक्स्ट। अस्ततीना अन कहा आतस्ताईना, आतस्ततीना अन तुखसिली अंतक्षिली। अन तुखसिली हाजिहिल मलाबिसी मलाबिसा, हाजिहिल मलाबिस अल्यौमा या लैला। हाजिहिल मलाबिसा जो है अन की वजह से, वो तकसील की वजह से, मलाबिसा जो है वो तकसील की वजह से है, और ये असल में लफ्ज़ था तकसीली ना, अन की वजह से नून डिलीट हो गया। अतस्ततीना कैन यू वॉश दीज क्लोथ्स टुडे ओ लैला। तामिल मायली ऑब्जर्व द फॉलोइंग। सल्ला युसल्ली सल्ली, सल्ला इज प्रेयर। ही प्रेड, उसने नमाज पढ़ी, ठीक है, ही प्रेड। युसल्ली ही इज प्रेइंग, मैन सल्ली इज प्रे फिलम। असल्लैतु ज़ुहरु ज़ुहरा, तज़्ज़ोहरा, सल्लैतु ज़ुहरा या हुसैनु, डिड यू प्रे ज़ुहर ओ हुसैन। सल्लैतु फिल मस्जिद अल हरामी व फिल मस्जिद अल नबवी الشريف شريفي. الشريفي. اوكي واحب ان اصلي في المسجد الاقصى باذن الله. صليت اي براي ان مسجد الحرام اند ان مسجد النبوي الشريف اند ان ذا اوكي मस्जिद शरीफ इज मतलब रिस्पेक्टेबल। हाँ शरीफ ऑनरेबल ऑनरेबल। उसका टाइटल है मस्जिद नबवी का। इसी तरह मस्जिद हराम भी जो है एक किस्म का असल में उसका टाइटल था ये भी। बू एंड आई लव टू उसल्ली टू प्रे इन मस्जिद अल अक्सा इफ अल्लाह सुब्हानहु तआला विल्स। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कभी। सल्ली बिना या शेखू, लेट्स गो टू प्रे इन ओ शेख। हाँ लीड अस इन प्रे, जब बिना भी हम साथ कह देना तो इसका मतलब है हमें पढ़ाओ। लीड अस इन प्रेयर। हम लीड अस इन द प्रेयर ओ शेख। ला तुसल्ली अल फराइज़ फिल बैती, डोंट प्रे
the fard prayers in house. Can explain. Lima. Lamma. Lamma. Okay. Lamma usallil asra. Lamma usallil. Lamma ka matlab humne padha tha abhi tak nahi, not yet. Okay. I have not prayed asr yet. No? Correct. Hadhi asma shuhur. Shuhur al-Arabiya. Hadhi asma shuhur al-Arabiya. Al-Muharram. So these are the months of these are the names of Arabic months. Okay. Al Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumad al-Ula, Jumad al-Akhira, Sha'ban, Ramadan. Tamil Mayali. Himma wa himma. Either this or that. ठीक है. Either के मतलब में small होता है. Himma. वो himma भी जो either ही है दोनों. बिल्कुल. अभी हम ये जुमला पढ़ेंगे फिर आपके वाज़े हो जाएगा. जुमला पढ़े जरा. الاسم في اللغة العربية إما مذكر وإما مؤنث. The name in the Arabic language is either masculine or feminine. Yes. English में तीन categories होती हैं और अरबी में सिर्फ दो हैं, masculine और feminine. Okay. Noun की दो categories हैं. Imma tazuruni. 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 Wa imma azuruk. So imma. Either. Either. Tazuruni. You visit me. Ta ka matlab hai you, zur ka matlab hai visit, ni ka matlab hai mujhe. Either you visit me. Either you visit me or either I will visit you. I visit you, okay. Either you visit me or I visit you, na? Chura lai te gaya saan ji. Major nikal gaya saan. Okay. Any question? No. Okay. Yeah, imma either dono bar either hi hai iska meaning. Either. Next, Ibrahimu imma marizun wa imma musafirun. So Ibrahim is either sick or either traveling. ठीक है. Udkhil imma fi salah. Adkhil. Adkhil. So, dono bar yahan pe Ibrahim is either sick or traveling. Ke bajaye hame dono bar either use karte hain zyada. Ab depend karta hai English ka usloob apna hota hai, Arabic ka usloob apna hota hai. Aap English ke usloob ke lihaz se bhi istemal kar sakte hain, lekin jo imma ka matlab hai wo hai either. Theek hai, ye do cheezon के दरमियान हमें बताने के लिए हम आइदर इस्तेमाल करते हैं अरबी में इम्मा. अब ऐसे एक और चीज़ होती है जैसे अरबी में हम कहते हैं अबी व उम्मी व आखी व उख्ती. अब हमने वा को कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया, चार दफ़ा इस्तेमाल किया. लेकिन इंग्लिश में वा का जो लफ्ज़ी मतलब है वो एंड है, वो हम जुमले में सिर्फ एक दो इस्तेमाल करते हैं. तो ये अब लैंग्वेज के हिसाब से फिर हम तर्जुमा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है.
Okay, next. Adkhil imma fi salasa jumalin. Salasin jumalin. Fi salasin. Yes. Fi salasin jumalin min insha'ik. So adkhil is enter. Enter imma in the three sentences. Min insha'ik is min is from insha'ik. Insha ka matlab hota hai shuru karna, paida karna, create karna. Insha'ik ka jo aapne banaye ho. Wo keh raha hai teen aise jumlon mein imma dalen jo aapne khud banaye ho. Apni taraf se teen jumlon mein imma ko dakhil kare. Matlab which you make. Yes. Which you make. Okay. Udkhil hona chahiye na. Actually, pehle umar mein, pehle isme order mein. Udkhil hai, dakhil ho jao. Yani ki agar main aap se kahun, udkhil to iska matlab hai main aapko keh raha hu ki aap khud dakhil ho jaye. Agar main aap se kahun adkhil, to main aapko keh raha hu ki kisi cheez ko dakhil karo. Ab yahan pe aapne khud nahi dakhil hona, balki aapne imma ko dakhil karna hai. तो इसलिए हमने अदखिल कहा. ओके अच्छा अगर फर्स्ट टाइम हमने कहा कि आप नाम इस्तेमाल करें किसी जुमले में, फिर मैं आपसे कहूंगा उदखुल. आप चूंकि मोनस से खैर तो और तब्दीली हो जाएगी, लेकिन वैसे मैं कहूंगा उदखुल. तो तीन सेंटेंसेस. Okay, well, what is the point? So let's say faman kana maridun maridun faman kana minkum maridun, we use karte. So whoever among you is sick, okay, so iska word nahi aaya. Either okay. Faman kana minkum imma maridan aw imma ala safarin. Or ye jumla ko itna sahi nahi. Agar ye kehna hai to color this flower either red or yellow. Ye jumla theek hai. To color this color is alwan, right? Alwan to isam hota hai, humne fail amar karna na. To lovin bhi ho sakta hai, lovin bhi ho sakta hai. Lovin. Color this flower either red or yellow. Okay. Lovin hazi his zohra imma hamra au. Dusra kaun sa color hai? Yellow asfar. Theek hai, safra. Safra. सफरा तो अगर फेमिनाइन अगर हो तो फ्लावर की वजह से. फ्लावर जहरा है तो उसमें ता है इसलिए. बिल्कुल. अहमर का फेमिनाइन क्या है? अमरा. अमरा तो लविन हाजी ही जहरा. ठीक है. अम्मा अहमर. अहमर भी कह सकती है. ठीक है. अहमर अहमर इम्मा भी ठीक है. इम्मा सफरा असफर कह दे. चलिए दोनों का एक ही जनरल इस्तेमाल करनी है, तो दोनों का हमरा सफरा या दोनों का अहमर असफर. तो आप दोनों का चलो अहमर असफर निकालने कोई मसला नहीं है. जनरल दोनों का बस एक होना चाहिए. नेक्स्ट. Buy either the blue dress or pink dress. Okay. So buy is Ishtari hazihi sauba imma क्यों कहते हैं इश्तरी हा अम्मा सोबल
अजरक अवा औ इम्मा सौबल अहमर अजरक तो इसमें मास्कुलिन नहीं यूज करना है चेंज नहीं करना है दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों का सेम होना चाहिए अभी हम मैस्कुलिन इस्तेमाल कर दिया दोनों का तो सौबा यहाँ पे मास्कुलिन ही है ना बिल्कुल जैसे ज़हरा फेमिनाइन था ठीक है तो ओके और एक है तीसरा डू यू लिव इन कि इसम या तो होता है मोरब होता है या मबनी होता है इश्क की अरबी बता दें आप इसम मोरब होता है या मबनी अच्छा ओके इसम अल इस्मु इम्मा मोरबन व इम्मा मबनीउन ओके अल इस्मु इम्मा मोरबन औ इम्मा मबनीउन ठीक है नेक्स्ट आज 20 क्वेश्चन सवाल नंबर 20 अल हरबू हरबू मोनिसा यानी कि जो लफ्ज हर्ब है ये मोनस है मोनस ओके हर्ब हर्ब मतलब क्या है जंग जंग ओके जंग ओके वॉर इज हर्ब ओके तखुलु तखुलु इज से इट इज सेड तखुलु इट इज सेड अल हर्बु अल अल आलमियतु वॉर अल आलमियतु द फर्स्ट वॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करेक्ट सर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है अल आनियतु अल हर्बुल आलमियतु सानिया सेकंड वर्ल्ड वॉर अच्छा सानिया ओके सेकंड वर्ल्ड वॉर अल हर्बु अल अहलियतु सो अहलिया कहते हैं सिविल अल हर्बुल अहलिया सिविल वॉर जो खाना जंगी हो जाती है ना मुल्क में आपस में लड़ते हैं उसको कहते हैं अल हर्बुल अहलिया ठीक है जैसे आजकल उधर है अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हो रही है जी जी उनके लिए दुआ किया करें अजरबैजान के लिए जी जरूर हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ये है हाथा मजारे हाथी है ओके हाथी मजारे अल अफाल अल आतिया तो ब्रिंग हाथी ब्रिंग यस ब्रिंग मुजारे अल अफाल अल आतिया ब्रिंग मुजारे फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स यस ब्रिंग द मुजारे ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ओके ब्रिंग मुजारे फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स ओके तो हवा हवा इज हवा हिट्स और हवा का वैसे मतलब होता है इकट्ठा करना इकट्ठा कर ठीक है वो हवा वो हिट्स को कहते हैं वो क्या है कौन सा ये ग्रीडीनेस ये नहीं है हवा नहीं वो लफ्ज है वो लफ्ज है अच्छा तो इसका मतलब है कलेक्ट करना हाँ इकट्ठा करना जमा करना इकट्ठा करना कलेक्ट तो इसका मुजारे बनाना सारे सो ही इज कलेक्टिंग यहवी हो जाएगा क्योंकि वाह के साथ कसरा आ जाएगा फिर उस कसरा की वजह से यह अली मकसूरा के बजाय यह आ जाएगा यहवी ओके हवा यहवी नेक्स्ट लदवा अब नीचे पे आ जाए हवा के बाद नीचे वाले कबदा खबदा खबदा
कबदा का मतलब होता है कब्ज कर लेना, जैसे हम कहते हैं रूह कब्ज कर ली, रूह कब्ज़ होना, तो या ये चॉकलेट. स्पेशली रूह के लिए है, सॉरी व्हाट, ये वर्ड सिर्फ रूह के लिए है कब्ज़ा। ये किसी भी चीज को ले लेना, उचक लेना. फर्ज किया बच्चा मोबाइल साथ खेल रहा है, तो आपने उसे मोबाइल ले लिया, तो मैं कहूँगा कबस्ती, आपने उसे मोबाइल उचक लिया. अच्छा ओके ठीक है, तो कब्ज़ करना तो इसका होगा यक बिदू, ठीक है. यख बिदु। ओके यख बिदु। नेक्स्ट सरखा, सरखा इस ही स्टोर, उसने चोरी की माजी में. इसका होगा सूरी, सूरी खा जरा सूरी का मजहूल है इसका, हमने इसका मुजारे बनाना है. यस र यस रीखू ओके, यसरी को, ठीक है. मना रोकना, मना ये प्रिवेंट करना सही है. ओके यम यम नी उ यमना ओ, यम ना उ है। अच्छा यम ना उ। नेक्स्ट लदगा, इसका हो जाएगा लदगा अदरक का मतलब होता है स्टिंग करना, बाइट करना. बाइट और स्टिंग, तो स्नेक के लिए है स्पेशली स्नेक के लिए और स्कॉर्पियन के लिए और जो इस किस्म की चीजें होती हैं जो बाइट स्टिंग जो का जो हमें स्टिंग करती है, अगर। उसके लिए. सो लदगा इज यल दीगु ठीक है. नसब नस नसबा का मतलब होता है जो पहाड़ से अल्लाह ताला ने नसब की है, किसी चीज को इरेक्ट करना, जमीन में गाड़ देना. ओके दिस अ माउंटेन का इरेक्शन। ओके नसबा इज यन सिबू। यान सी वो, ठीक है. नेक्स्ट सोलबा, सोलबा इज सलाबा सोलबा का मतलब होता है स्लीप के ऊपर चढ़ाना, जैसे होता है ना पुराने जमाने में वो सजा के तौर पे लोगों को एक स्लीप के साथ लगा कर ऊपर की लगा देते. तो ये क्रूसीफाई है, किले लगा कर ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा क्रूसीफाई बिल्कुल, क्रूसीफाइड. है। अच्छा तो ये है यस लिबू यस लिबू, ठीक है. सर्रा इज यसिरु, सर्रा का मतलब छुपाना राइट। सर, ये जो सारा इसमें शब्द है ना, इसका मतलब होता है खुश करना, खुश करना, डिलाइट. तो खुश इसका होगा करना, खुश सुर्रू. करना। ओके तो ये मसरूरुन निश्चय है ना, मसरूरुन, बिल्कुल, सुरुरुन. और वो जो वो छुपाना है वो उसकी स्पेलिंग क्या है, वो सिर है. सिर्रा वाला नहीं वो कसरा से है, ये फतह से है. ये सर्रा है। ओके नेक्स्ट हाथी जुमलिल अस्मा इल आतियती, हाथी ब्रिंग जुमलिल सेंटेंस जुमलिल अस्मा ब्रिंग द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग नाउन्स, इल आतियती, अस्मा इज नाउन्स ठीक है. एंड जमा है बिल्कुल, जमा हाथी। कहते हैं प्लूरल को. कह रहे नीचे देखिए जो असमा है इनका प्लूरल लाओ, इनको जमा बनाओ. ब्रिंग द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग नाउन, ठीक है. ब्रिंग द प्लूरल। ओके सो नेक्स्ट हर्ब्स, हर्ब का प्लूरल हर्ब हुरूब, यानी जंग हर्ब की जमा है हुरूब. हरूब। अच्छा ये जंग है ना, बिल्कुल, जंग, बैटल, वार. और का हुरूब है। अच्छा हुरूब, इसके बाद वान,
वसन 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 कहते हैं बुध को, आइडल आइडल है वो सुन अवसान। अवसान अवसान नेक्स्ट हिजा कहते हैं शूर को, जो जूता हम पहनते हैं ना। शो को। अच्छा शो हिजा इसका प्लूरल आहसिया, अहजिया बिल्कुल आहसिया, या आ जाएगा उसमें आखिर में आ गया या और ता मरबूता। अजिया। अच्छा तो इसका कोई रूल है प्लूरल्स का? कोई रोल नहीं है, इनकी कैटेगरीज होती हैं और उनमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं है खास, हमें याद ही करना पड़ता है इनकी। अच्छा ठीक है नेक्स्ट। ये दीन है रिलीजन दीन रिलीजन तो इसका रिलीजन्स प्लूरल इज अध्ययन, अध्ययन अध्ययन। ओके नेक्स्ट जोहर जोहर इज जोहर। जोर का मतलब होता है ये जो बिल होते हैं ना सांप के, चूहे के, होल छब्बीस होते हैं। और होल। ओके इसका अज अजहर अजहार, अजहार। ओके तो यूजुअली सामने एक अलिफ और लास्ट वन वर्ड से पहले एक अलिफ। ये जरूरी नहीं है। अच्छा अजहार नेक्स्ट जन्ब। जंब सिन गुना, ओके जम गुना जुनूब जुनूब। ओके जुनूब नेक्स्ट शाहीना। शाहीना इज चाइना कहते हैं सामान वाली गाड़ी को, ट्रक हो गया, सामान लॉरी हो गया, पिकअप। पिकअप ट्रक। हाँ ये सामान वाली गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं जिन पे सामान उठा के एक दूसरे अच्छा से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उनको शाहीना कहते हैं। शाहिना। ओके इसका अशीना अशीना शाहीनाथ, शाहिना शाहिना। मलबर ये आयरन है नहीं क्लोथ्स राइट मलबस कहते हैं जो कपड़ा ऊपर पहना जाता है। मलबस। ओके आउटर कोट वगैरह आउटर गारमेंट, आउटर गार्मेंट। मलबस का मलाबस ठीक है। मलाबस इज कोट्स। ये कोट्स वाली सेंस में वैसा नहीं होता, यानी कि इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। मलाबिस, मलबस की जमा है मलाबिस, एक जो भी चीज़ हम ऊपर पहनते हैं ना, जैसे फर्श या बाज होती हैं, जैसे बुरका हो गया, ख्वातीन बुरका पहनती हैं, मर्द भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर हल्की फुल्की पहन लेते हैं, उनको हम मलबस कहते हैं। आउटर गार्मेंट। अच्छा ठीक है नेक्स्ट खाइदा। खाइदा का प्लूरल अखाइद। कायदा कवाइद, कायदा कहते हैं रूल को और कवायद कहते हैं रूल्स को। ओके नेक्स्ट जासूस। जासूस डिटेक्टिव। हाँ स्पाई डिटेक्टिव, ठीक है। लिस्ट
इसका क्या है प्लूरल? जासूस जी, जासूस का जवासीस होती है, जासूस की जमा जवासीस। जवासीस, तो इसकी स्पेलिंग कैसे? जवा जीम वाओ, जीम वाओ अलिफ सीन या सीन। ओके, जवासी। नेक्स्ट लिस का है? लिस कहते हैं चोर को, इसकी जमा है लुसूस। लुसूस, ओके, लुसूस, लुसूस। नेक्स्ट हदीस, हदीस हदीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।